ये जी अपने खेत में गुल्लर का पेड़ खड़ा हुआ है, और गुल्लर अपने आप में एक चमत्कारिक पेड़ है, और जिसके जो फल है ना, मैं आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ। ये फल देखिए, दूर से ही लाल लाल जो चमक रहे हैं ये इसके फल हैं भाई। पहले हरे होते हैं, फिर पकने के बाद देखिए कितने सुंदर लगते हैं लाल लाल कलर के। और अंजीर भी इसी प्रकार से लगता है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ओह एकदम से जो फल है ना, अगर ये आप इसको खाना चाहो ना खा सकते हो, लेकिन इसको तोड़ के नहीं खाना है। अगर इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलेंगे। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, अगर खाना है तो ऊपर ऊपर से खाओ इसको। पहले आपको तोड़ के दिखा देता हूँ इसके अंदर से, देखिए क्या निकलता है। ये देखो, मच्छर से निकलेंगे। पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे अगर इसको सीधा ही खाते हो ना मच्छरों समेत, तो हमारी आँखों की रोशनी बनी रहेगी, आँखें खराब नहीं होगी। लेकिन आजकल खाए नहीं जाते, तो मैं इसको तो घेर देता हूँ, दूसरा तोड़ता हूँ। इसके ऊपर वाला जो छाल होती है ना फल के ऊपर वाली, वो खा सकते हो ऐसे ऐसे। ऊपर ऊपर वाली छाल खा लो, बड़ा ही स्वाद है, शरीर के लिए फायदेमंद है ये। देखिए बहुत सारे लगे हुए ऊपर तक, और हमारे खेत में पेड़ काफ़ी सालों से खड़ा हुआ है। 12 महीने, साल के 12 महीने इस पर ये फल लगे रहते हैं। ये गिर जाएंगे, फिर और लग जाएंगे, वो गिर जाएंगे और लग जाएंगे, हमेशा फल लगे रहते हैं। और सुबह सुबह देखिए नीचे कितने पड़े हुए हैं, पक्षी बहुत खाते हैं इसको। अभी मेरे आने से पहले एक चितकबरा पक्षी बैठा हुआ था, जो घोंसलों से अंडे खाता है ना, वो इसको बहुत ज़्यादा खाता है, अंजीर के फल को और गुल्लर के फल को। तो किसी को खाना तो सुबह सुबह खाओ, खाली पेट स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है, पेट को फायदा करता है, साथ में शारीरिक दुर्बलता को दूर करता है, स्टेमिना बढ़ाता है, थकान नहीं आने देता, मांसपेशियों में जोड़ों का दर्द में बहुत फायदेमंद है गुल्लर का फल। इसके फूल नहीं आते, सिर्फ तने पर है ना डायरेक्ट ये फल लगते हैं। ये एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसके फूल नहीं आते, डायरेक्ट इसके यानी फल लगते हैं। वैसे तो और भी है, जैसे अपना बरगद हो गया, पीपल हो गया, उसके फूल नहीं आते कभी भी, डायरेक्ट फल लगते हैं। ये हमारे वनस्पतियाँ हैं। तो गुल्लर भी जिसमें से एक है, और इसके फल तो खाने में लाजवाब है। अगर आप 100-150 ग्राम सुबह खाली पेट ये फल खाते हो, तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, और बीमारियों को नज़दीक नहीं आने देता, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ये देखिए नीचे से लगने शुरू हो जाते हैं और ऊपर तक लगते हैं, और अपने आप ये पक जाते हैं। और अंजीर भी इसी प्रकार से लगते हैं, आपने कभी अंजीर का पेड़ देखा हो तो इसी प्रकार से अंजीर भी लगते हैं। हमारे खेत में तो काफ़ी साल से गुल्लर खड़ा हुआ है, तो हम इसके खाते रहते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। अगर आपके नज़दीक या आजू बाजू में कहीं भी भी आपको गुल्लर का पेड़ दिखे, तो वहाँ पर ये फल ज़रूर खा कर आएँ, बहुत फ़ायदेमंद कर शरीर के लिए।